सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोटिंग खत्म होने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सातवें चरण के अंतिम मतदान के लिए मतदाताओं ने भाजपा के विरुद्ध मतदान कर सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से अपना पूरा आक्रोश निकाल दिया है। तो वहीं जहां भाजपा की हार उन्होंने तय कर दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए केंद्र की सत्ता में आने का रास्ता भी बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कल महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदाताओं ने उनके प्रति घोर उदासीनता दिखाई। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण से ही सत्ता परिवर्तन की लहर दिखी। वहीं से पहले भी अखिलेश यादव अपनी एक जनसभा में ये ऐलान कर चुके हैं कि 4 जून को सब मंगल ही मंगल होगा। रिजल्ट आ रहा है 4 जून को, और 4 जून को बताओ क्या है, मंगल का दिन है, उसी दिन मंगल होना है। बताओ मंगल होना है कि नहीं होना है 4 जून को? और जो लोग जनता को धोखा दे चुके हैं, गरीबों को धोखा दे चुके हैं, बताओ पीडीए की ताकत से घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं? और इतने घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का नाम भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी से जीत जहां लगभग तय मानी जा रही है, बस अब इस सीट पर उनकी जीत का मार्जिन कितना होगा इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है। गौरतलब है कि शनिवार की शाम को आए एग्जिट पोल के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी एक बार फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है, लेकिन इस बार विपक्षी के तौर पर इंडिया गठबंधन की ओर से बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को जबरदस्त चुनौती मिल रही है। एनडीए को यूपी 44.1% और इंडिया को 36.9% वोट शेयर मिलने के आसार है। वहीं बीएसपी को इस चुनाव में 14.2% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 62-66 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और सपा के विपक्षी गठबंधन इंडिया को 15-17 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।